हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की फेमस पंचरत्न दाल बनाएंगे। इसको बाटी के साथ परोसा जाता है। बाटी के बिना आप रोटी, पराठा, पूरी, चावल के साथ भी इसको खा सकते हो। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 5 तरीके का दाल। इसमें हम राजमा, साबुत चना, अरहर का दाल, मटर और बिना छिलटे वाला मूंग का दाल। इसको 10 से 12 घंटे तक पानी में धो के अच्छे से भिगाया। अब इसको प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। चलिए, तो हमने दाल को प्रेशर कुकर में डाल दिया और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला। कम डाला क्योंकि तड़का मारने का टाइम भी थोड़ा सा लगेगा हल्दी पाउडर। और डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक भी बाद में जाएगा, थोड़ा सा कम नमक डालेंगे। और इसको अच्छे से मिला लेंगे और 5 से 6 सीटी लगा लेंगे प्रेशर कुकर में। 5 से 6 सीटी आने तक तो फ्रेंड हमने प्रेशर कुकर में गैस में चढ़ाया। आप 5 से 6 सीटी लगाएंगे, ये सीटी आ गया है। अब प्रेशर कुकर को ठंडा करेंगे और दाल का छौंक बनाएंगे। तो फ्रेंड कढ़ाई गरम किया और हमने इसमें सरसों का तेल डाला। आपको घी पसंद है तो घी में दाल को तैयार कीजिए। अब इसमें जीरा, लाल सूखी मिर्च और कुछ खड़े गरम मसाले डाल के भूने लेंगे। हमारे खड़े मसाले अच्छे से भून गया है। अब इसमें डाल देंगे, हमने 2 टमाटर को काट लिया और 4-5 हरी मिर्च को काट लिया और अदरक को कद्दूकस कर लिया। इसको डाल देंगे। आपको प्याज लहसुन पसंद है तो दाल में प्याज लहसुन भी डाल सकते हो। इसको भूनने के पहले प्याज लहसुन डाल के भून के इसको डालिए। इसको अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें हल्दी पाउडर और जीरा धनिया का पाउडर डालेंगे और इसको भी मिला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों टमाटर हमारा और भी सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छे से भून जाए इसके लिए स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे अभी और इसको भी मिला लेंगे। नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, मसाले जल्दी भुन जाएगा। तो तड़का हमारा तैयार है। प्रेशर कुकर ठंडा भी हो गया है। दाल को प्रेशर कुकर से निकाल लिया। आप दाल को डाल देंगे तड़के में। तो फ्रेंड दाल को डाल देंगे इसमें तड़के में और मिला लेंगे अच्छे से। फिर दाल को डाल के आपके हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। मैं मेरे हिसाब से डाला कम पानी, मैं ज़्यादा पानी नहीं डाला। और दाल को ढक के पकाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाल हमारा बहुत अच्छे से बॉईल किया हुआ है। ऐसे ही खुले ही इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे। आपको और नमक चाहिए इस टाइम नमक डाल दीजिए। इस टाइम थोड़ा सा शक्कर डाल देंगे, इससे टमाटर का टंगीनेस चले जाएगा और दाल में एक अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको उबालने देंगे अच्छे से 5 से 6 मिनट तक। फ्रेंड 5-6 मिनट हो गया है, दाल उबाल के तैयार है। लास्ट टाइम थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर डालेंगे और मिला लेंगे, अच्छा सा टेस्ट आएगा। और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता काट के डाल देंगे, इससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। आपको हरा धनिया पसंद नहीं है तो नहीं डालिए, पसंद है तो डाल दीजिए। तो रेडी है हमारा राजस्थान का पंचमेल दाल, पंचरत्न दाल। अब इसको प्लेटिंग करेंगे। जी रेडी है
आपका राजस्थानी पंचरतन दाल, पंचमेल दाल, इसको आप बाटी के साथ परोसिए, बाटी के बिना भी पूरी, चपाती, नान, चावल के साथ भी इसको खाइए। आपको मेरा रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर एक बार मिलता है, बाय बाय।